आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस की एक क्वेश्चन है का महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। तो इसका जो आंसर है प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्रों, क्योंकि मशीनें महंगी होती थी और इनकी मरम्मत में काफी खर्चा होता था। मतलब अगर आपने मशीन अगर आपने एक ले ली और उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, अगर उस मशीन के अंदर कोई सा भी साइड इफेक्ट आ गया, उस मशीन के अंदर कोई सा भी डैमेज आ गया, तो उसको अगर आप बनवाते थे किसी को बुलवा कर, तो उसकी मरम्मत में ही काफी पैसा लगता था, उसकी मतलब रिपेयर करवाने में काफी कॉस्ट आ जाती थी। और इसलिए जो व्यापारी होते थे वहां के, जो उद्योगपति होते थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मशीनों से दूर रहने को पसंद कर लिया। मतलब मशीन से दूर रहना है उन्हें, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड करा। आविष्कारों या निर्माताओं के दावे के विपरीत नई मशीनें बहुत कुशल भी नहीं थी। मतलब आविष्कारक जो निर्माता थे, ठीक है, जिसने भी आविष्कार करी थी मशीन, उसने क्या सोचा कि यार मशीन बना देंगे और क्या हेल्प करेगी जो भी यहाँ पे व्यापारी लोग होते उनकी। लेकिन जिस माइंडसेट के संग आविष्कार किया गया मशीन का, अरे समझ में, मतलब जिस मंशा से मशीन बनाई गई उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पाया। मतलब व्यापारी लोग उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाए। वो क्या सोचते थे कि मतलब ऐसा होता हुआ भी होगा उनके संग की मशीन को दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते और उनको उनको गलाने में या उनको दोबारा से रिसाइकल करवाने में या उसको और क्या बोलते हैं सर्विसिंग करवाने में ज़्यादा कॉस्ट आती होगी। तो ये रीज़न था। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन के हथकरघा कारीगरों को लगने लगा कि इस नई मशीन से उनका रोजगार छिन जाएगा। और रीज़न पता क्या था, जो मशीन का विरोध कर रहे थे उनको ये लगता था कि अगर मशीन आ जाएगी तो इससे जो हाथों से कारीगरी की जाती है व्यापारी के द्वारा, उनकी जो नौकरी है वो छिन